देखिए हमारे पास कितना है यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास है 1/4, तो यानी कि इधर पहले हम लिखेंगे 1 और उसके बाद क्या लिखेंगे 4, ये हमने लिख दिया। उसमें हम ये देखते थे कि हमारे पास 1 कितनी बार है, हमारे पास 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार 1 दे रखा है, ठीक है। 1 को कितनी बार दे रखा है हमें, 1 हमारे पास यहाँ पर 1 कितनी बार है, 1 हमारे पास यहाँ पर 4 बार है, और चारों टाइम्स इसको क्या कर रखा है, यानी कि चारों बार इसको क्या कर रखा है, घटा रखा है। तो हमें घटाते हुए चलना है, ध्यान से देखिए हमें घटाते हुए चलना है। अगर मैं 4 में से 1 घटाऊंगा, ध्यान से देखिए, अगर 4 में से मैं 1 घटाऊंगा तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। देखिए मैंने माइनस कर दिया, अब ध्यान से देखिए अगर मैं 3 में से 4 को घटाऊंगा, 3 में से 4 को घटाऊंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए माइनस का 1 आएगा। देखिए मैंने 4 में से 1 को घटाया तो 3 आया, प्लस का 3, 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, आई कि नहीं बात समझ में। अब मैं माइनस 1 में से माइनस 3 करूंगा, यानी कि माइनस 1 में से माइनस 3 करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए भी, माइनस 1 में से मैंने माइनस 3 किया है जो कि माइनस का 4 आया है। तो देखिए मैंने कितनी बार लेस कर दिया, कितनी बार घटा दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहां पर कितनी बार कर रखा था, 4 बार कर रखा था, तो मेरे को 1 बार और घटाना है। यानी कि ध्यान से देखिए अगर मैं -4 में से -1 को घटाऊंगा, यहां पर बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, -4 में से -1 को घटाऊंगा तो यहां पर मेरे पास घटाने के बाद कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए -4 में से -1 को घटाएंगे, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिए -4 में से मैं -1 को घटाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए ये तो -4 है, ये हो जाएगा प्लस का 1, जिस हिसाब से मेरे पास माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या आया, -4 और 3 लास्ट में, यानी कि -4/-3, इस क्वेश्चन का आंसर है। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 4/3 इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है, आंसर है अभी।